कुशमांडा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ कुशमांडा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज इनका चौथा दिन है। नव दुर्गा का चौथा रूप माँ कुशमांडा है, तो आइए सुनते हैं इनकी कथा और महिमा वर्णन। पावन कथा सुनाते हैं, चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, आज नवरात्रों का चौथा पावन दिन है। नव दुर्गा की चौथी शक्ति माता कुशमांडा को कहा जाता है, अतः आज के दिन सभी भक्त माँ कुशमांडा की पूजा करेंगे। माँ कुशमांडा का ये रूप बड़ा ही अद्भुत है। भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड भक्तजन, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तब माता कुशमांडा ने अवतार लिया। माता ने अपनी मंद मंद मुस्कान से एक ऊर्जा को उत्पन्न किया, जिसने एक देवी का रूप ले लिया और उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की।
सुनाते हैं। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। भक्त जनों, इस तरह माँ कुष्मांडा ने सबसे पहले तीन देवियों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ कुष्मांडा ने महाकाली की ओर देखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, जिन्हें शिव का नाम दिया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, जिन्हें सरस्वती का नाम दिया। इनसे तीनों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड जनों, जिस प्रकार माता महाकाली की काया से भगवान शिव और माता सरस्वती उत्पन्न हुए, उसी प्रकार माता महालक्ष्मी की काया से भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी उत्पन्न हुए। महासरस्वती की काया से विष्णु और शक्ति उत्पन्न हुए। फिर माता कुष्मांडा ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, भगवान शिव को शक्ति और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में दिए और त्रिदेवों को सृष्टि के कार्य का भार सौंप दिया। झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। जनों, माता को आदि शक्ति या आदि भवानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का अवतरण हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी जिसकी आराधना करते हैं, ये वही देवी का रूप है। माता कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है और सूर्यमंडल के भीतर रहने की क्षमता किसी और में नहीं।
कष्ट सब मिट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुशमांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुशमांडा जनों, माता कुष्मांडा की महिमा अपरंपार है। माता कुष्मांडा का ये रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। उनके ध्यान मंत्र से ही रोग और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रों के चौथे दिन जो भी विधि विधान पूर्वक माता कुष्मांडा का ध्यान करते हैं, उन भक्तों के जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रों में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुमसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा जनों, माता कुष्मांडा की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर चौकी पर माता कुष्मांडा की फोटो लगाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इसके पश्चात माता को गंगा जल से स्नान कर वस्त्र पहनाएं, चंदन तिलक करें और सारा श्रृंगार करें। धूप दीप और गंधक्षत से माँ की पूजा करें। माता कुष्मांडा को सफ़ेद कुमड़ा, सूखे मेवे और मालपुओं का भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद को भक्तों में वितरण करें। माँ कुष्मांडा के इस रूप का जो भी ध्यान लगाए, रोग दोष उन भक्तों के तो निकट कभी ना आए। शक्ति का अवतार है माता, देती है शक्ति सदा ही माँ का ध्यान लगाता। कृपा की छा
रचने वाली है। ओम जय कुशमांडा माता, ओम जय कुशमांडा माता, मैया जय कुशमांडा माता। चौथे नवरात्रे में, चौथे नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता।
बन